हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बिलेटेड हैप्पी होली, छोटी होली बड़ी होली दोनों की आपको शुभकामनाएँ। और हमारे यहाँ है ना, छोटी होली को बनती है कढ़ी। हम लोग एक दिन पहले ही मम्मी के पास गए थे तो वो मुझे बता रही थी कि छोटी होली को ये कर लेना, ऐसा करते हैं, और बड़ी होली को ये कर लेना, वैसा करते हैं। मेरे मायके और ससुराल के जो रिचुअल्स हैं वो बिल्कुल ही एकदम ऑपोजिट टाइप के ही हैं, तो मैं हर चीज़ मम्मी से पूछ पूछ के करती हूँ। तो कढ़ी बनानी थी, पूजा होगी कढ़ी से ही। और मैं जो कढ़ी बनाती हूँ, मैं थोड़ी सी मसाले वाली बनाती हूँ, आपने देखा होगा, प्याज वगैरह डाल देती हूँ और पकौड़े तो स्पेशली हरी मिर्च धनिया प्याज डाल करके ही बनाती हूँ मैं। पर आज क्योंकि पूजा होनी थी तो एकदम सिंपल मैंने कढ़ी बनाई है। कढ़ी में और पकौड़े में किसी में भी प्याज व्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, और मुझे थोड़ी सी ऐसी कढ़ी कम पसंद है। कढ़ी मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ों में से एक है, पर ये जो प्लेन वाली होती है ना, ये ज़रा मुझे कम पसंद आती है। बट ये दिन बहुत अच्छी बनी थी। शानो खुशी कढ़ी कम खाते हैं, उनको तो ना पसंद है, पर उन लोगों ने भी खा ली थी। पता नहीं किसे, जब प्रसाद के लिए बनाए तो खाना शायद ज़्यादा स्वाद हो जाता है। इस दिन कढ़ी बहुत अमेजिंग बनी थी। कढ़ी के लिए मैंने, मेरे पास मिल्की मिस्ट दही वही रखा हुआ था, मैं काफ़ी सारा ले आई थी ना, तो उसमें मैंने हल्का सा नमक डाल करके सुबह में उसे फ्रिज से बाहर रख दिया था, इससे वो हल्का खट्टा पकड़ लेता है। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी मिर्ची नमक और पानी डाल करके, एंड एक बड़ा कप अगर दही है तो 3 चम्मच जैसे उसमें बेसन मिला करके घोल बना करके रख लें। वैसे कढ़ी सबसे अच्छी ना छाछ से बनती है, वो जो बटर मिल्क रह जाता है ना उसकी बहुत अच्छी स्मूथ बढ़िया कढ़ी बनती है। मम्मी बनाती थी बट हमारे यहाँ पे उतना रेडिली यू नो बटर मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो दही से ही बना लेती हूँ। पर स्वाद का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, दही में ना फैट ज़्यादा होता है तो वो टेस्ट एक आ जाता है कढ़ी में, पर बटर मिल्क वाली कढ़ी बहुत स्वाद बनती है। सिंपल इसका तड़का लगा रही हूँ, यूजुअली मैं ज़ीरा नहीं डालती, सिर्फ जो हींग है और जो मेथी दाना होता है ना उससे तड़का लगाती हूँ। हींग भी मैं बहुत कम डालती हूँ, प्याज वगैरह डाल लेती हूँ, कभी कभी लहसुन भी डाल लेती हूँ, बट आज नहीं डालना था ना वो सब, तो मैंने हींग डाला है। और इसके बाद फिर जो लिक्विड है वो स्ट्रेन करके ऐड कर दिया है। ऐसा छाने की ज़रूरत है नहीं, बट मम्मी मेरी छानती थी तो थोड़ी वो आदत है मुझे, और इससे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाती है। फिर इसको उबाल लेंगे, निरंतर चलाते रहिए जब तक उबाल आ जाए, उसके बाद इसे अनअटेंडेड छोड़ सकते हैं। तो दोपहर में ये सब कुछ हो रहा है, जो कढ़ी बन रही है पूजा के लिए वो भी एक काम हो रहा है। दूसरा, मम्मी ने मुझे बोला था कि माता रानी की साड़ी निकाल देना, ये सामान पूजा करके मंदिर भिजवाना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये साड़ी दिखाई थी तो ज़्यादातर फ्रेंड्स को ये लग रहा था कि ये मैंने मेरे अपने लिए ली है, ये मेरी साड़ी नहीं है, ये पूजा में माता के लिए निकालते हैं ना, आप भी ऐसा करते होंगे, तो उनके लिए है। और मम्मी ने कहा था कि उन्होंने मुझे एक नंबर बताया था कि इतना मीठा निकाल लेना, तो लड्डू वड्डू मत निकालना उन्होंने बोला था। और पताशे हमारे यहाँ ईजिली नहीं मिलते, वो 250 ग्राम 500 ग्राम ऐसे देते हैं, और ज़्यादा देते भी नहीं कि मतलब आप 2 बार 500 ग्राम ले लो तो बहुत लोग मना कर देते हैं, तो इसलिए ये जो नकुल दाना होता है ये मैंने ले लिया था। और लड्डू मंगवाए थे, जैसा मेरी सासू माम ने बताया, एक एक स्टेप पूछ पूछ के वैसे ही कर रही हूँ, रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये साड़ी मैंने पूजा करी थी और फिर उसके बाद शर्मा जी ले गए थे मंदिर। और अभी है ना होली मैं ऐसा सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, पिछले साल तक तो मैं आपके साथ कई सारी रेसिपीज़ भी शेयर करती थी, लेकिन इस बार है ना मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरा पिछले
तीन चार दिन कैसे गए मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, फिर बहुत लोगों को वो थोड़ा अदरवाइज लगता है, पर बहुत अच्छा नहीं था। मुझे रह रह के याद आ रही थी। एक्चुअली मेरे पापा का देहांत होली के दिन ही हुआ था, कुछ एक साल पहले। तो मैं उससे पहले होली खेलती थी, पानी रंग वंग सबके साथ, पर अब है ना वो ऐसा, शायद आपके साथ भी होता होगा, किसी दिन पे कुछ रही हो घटना तो पहले से ही वो याद आने लगता है, और मेरा कुछ भी करके दिल नहीं हो रहा था। इनफैक्ट शर्मा जी ने मेरा मूड अच्छा करने के लिए उन्होंने बोला कि चलो हम फाइटर देखते हैं, फाइटर ऋतिक रोशन वाला मूवी, तो हम देख रहे थे, तो उसमें भी वो पापा वाला एंगल था एंड मेरा रोना निकल गया। उन्होंने मुझे बहुत देर तक संभाला। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ लह गई थी। तो मैं ये बता रही थी कि मैं सिर्फ मेरा काम जितना पूजा करने का होता है, अभी मेरी होली उतनी ही रह गई है, ज़्यादा मेरा दिल नहीं जाता, मैं नहीं करती। शर्मा जी इनफैक्ट वो तो गए थे सोसाइटी के लोगों के साथ खेलने के लिए, पर मैं बस अभी अपना वहाँ से दिमाग। और एक और टिप मैं आपको देती हूँ, जब भी आप पकौड़े के अंदर प्याज वगैरह मिला रहे हो तब तो वो नेचुरली बड़े अच्छे टेस्टी एंड सॉफ्ट बनते हैं, बट ऐसे वाले जो पकौड़े होते हैं ना जिसमें कुछ भी नहीं मिला रहे, ये थोड़े सॉफ्ट नहीं बनते, तो ये बैटर है ना थोड़ा सा हल्का पतला सा घोलिएगा और थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला सकते हो, तो ये वाले पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। लास्ट में मैंने पोर कर दिया इसमें तड़का। होलिका दहन का जो टाइम था तो वहाँ पे हम लोग को जाना था, लेकिन हमारी सोसाइटी में नहीं रखा गया था ये, हम लोगों ने लेटली नई जगह पे शिफ्ट किया है पिछले साल मई में। तो हम लोग को यही था कि जैसे हर सोसाइटी का रहता है वैसे होगा, बट यहाँ पर नहीं था। हमारे थोड़ा सा दूर के जो एरिया था उन लोगों ने एक बड़ा सा रखा हुआ था, तो सब लोग वहीं जा रहे थे, पर हम लोग वहाँ किसी को जानते नहीं थे ना, तो शर्मा जी और मैं हमारी जो पुरानी सोसाइटी है जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे उधर आ गए थे पूजा करने के लिए। ये सभी नेबर्स हैं, अच्छे से जानते भी हम एक दूसरे को, तो इस बहाने मीट एंड ग्रीट भी हो गया, और ये तो अच्छी तरह से सारे ही इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, तो यहाँ पर दहन का भी प्रोग्राम था, तो मैं और शर्मा जी गए थे इधर पूजा करने। और ये है मेरा खाना, कढ़ी और रोटी इज़ माई फेवरेट। आप मुझे बताना, आप टीम कढ़ी रोटी हो या कढ़ी चावल? और ये है नेक्स्ट डे धुलैटी जो होती है, जिस दिन रंग खेलते हैं वो, तो मुझे बनाना था पूजा के लिए। हमारे यहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में ना हनुमान जी की जोत होती है इस दिन, तो उस दिन हलवा पूरी बनता है, तो हलवा पूरी बनाने के लिए घी कम था मेरे पास, तो मैंने फटाफट से पहले तो घी चढ़ा दिया। लास्ट नाइट ही मैंने देख लिया था जब मैं रोटियों पर घी लगा रही थी। इनफैक्ट मैंने गाय की रोटियाँ निकाली थी, गाय को रोटी देते हैं ना छोटी होली पर, तो जब मैं दोपहर में गाय की रोटी बना रही थी तो ही मैंने देख लिया था कि घी कम है, और मैंने तुरंत जो मक्खन मतलब मलाई जो मैं रखती हूँ फ्रीज़र में उसको निकाल करके फ्रिज में रख दिया था कि नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं सबसे पहले घी का ही काम कर लूँगी, तो वही किया है मैंने। और बनाना है मुझे हलवा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा हट करके आज पाइनएप्पल हलवा बना लेती हूँ। एंड मैंने शायद आपके साथ कभी भी इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी, तो रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ये पाइनएप्पल हाफ मैंने लास्ट डे यूज़ कर लिया था, लास्ट टू लास्ट डे, और हाफ बचा हुआ था, तो इसकी जो आईज़ है वो मैंने निकाली। ये ट्रिक मैंने जो
फ्रूट वेंडर्स होते हैं ना, उनको देखकर सीखी थी हम लोग बाहर से। यहाँ वडोदरा में ऐसा होता है, मेरे दिल्ली साइड मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ तो पाइनएप्पल खरीदो और लेकर के अपने घर आ जाओ एंड काट लो, बट यहाँ पर आप अभी का देखो मुझे नहीं पता, मैं कई साल पहले की बात कर रही हूँ, बट यहाँ वडोदरा में हमेशा से ही ऐसा देखा है मैंने कि आप पाइनएप्पल अगर ख़रीदते हो ना तो जो सेलर है वो ऑफ़र करते हैं आपको कि छील करके दे दें, तो वो अच्छी तरह, अगर आप हाँ बोलते हो तो अच्छी तरह छील करके और वो जो आईज़ होती है ना वो निकाल करके दे देते हैं। लगते रहते जब देखो। तो यहाँ पे हलवा बनाने के लिए मैंने एक चाय का कप ले लिया, आप मेजरिंग कप ले लो, कटोरी ले लो, बट एक ही चीज़ ले लो, उसी से सब मेजर करना। तो वन पार्ट मैंने ले लिया था सूजी, वन पार्ट ही घी जाएगा। आप पाइनएप्पल कितना भी ले सकते हो, जितना सूजी है उतना ले लें कम से कम तो अच्छा रहेगा। और जितना सूजी है उससे चार गुना लिया है मैंने पानी, तो पानी मैंने अलग बॉयल होने रख दिया है चीनी और केसर के साथ। चीनी टू टाइम्स जाएगी, तो एक कटोरी जैसे आपने ले ली है ना, तो उस एक कटोरी का एक कटोरी सूजी, एक कटोरी घी, दो कटोरी चीनी और चार कटोरी पानी, ये रहेगा मेजरमेंट। जो पाइनएप्पल है इसको थोड़े से घी में मैंने अलग से पका लिया है, थोड़ा टेंडर हो जाएगा तो इसे पानी में डाल करके फिर उबाल लें, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप सेक करके रख लीजिए, इसमें किशमिश बहुत डालते हैं, बहुत पसंद की जाती है, बट मेरी दोनों बेटियों को किशमिश नहीं पसंद तो मैंने वो नहीं डाला, मैंने सिर्फ काजू डाले हैं। इसमें चिरौंजी भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद अच्छी तरह से जो मेरी सूजी है वो भुन चुकी थी, तो पानी में चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी घोल लेनी है, इसलिए मैंने जो पाइनएप्पल है वो अलग से पका लिया था पहले। और ये जो चाशनी बनाया शुगर सिरप, ये मिला दीजिए आपकी सूजी के अंदर, मिक्स कर दें, ढक्कन लगा के पकने दें और उसके बाद आप स्टर करें तो ये पुट टुगेदर आपको दिखेगा। शुरू में थोड़ा सा रनी लगता है, फिर आप इसमें नट्स मिला दीजिए। आपको एकदम जूसी सा पसंद है हलवा तो आप ऐसा रख सकते हो, आपको थोड़ा ड्राई पसंद है तो और पका सकते हो। बट देखें एक एक दाना कितना अच्छा फूल गया है, बहुत ही जूसी, बहुत ही बढ़िया हलवा बना था। रात को मम्मी पापा घर आए थे ना तो उनको भी मैंने खिलाया था, उनको भी ये बहुत पसंद आया था। और प्रसाद के लिए सिर्फ हलवा पूरी बनता है, लेकिन फिर मैंने सोचा इसी का तो लंच हो जाएगा, फिर क्या अलग से कुछ करना। तो मैंने हस्बैंड को पूछा तो उनके तो दो ही जवाब हैं, या तो खिचड़ी बना ले या तो फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी। अब खिचड़ी तो बनेगी नहीं, पूरी बनी है, तो उन्होंने कहा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दे। तो आज मैं बिल्कुल ही सिंपल बोलेंगे आप, दो मिनट में बन जाएगी, दो तो खैर जल्दी हो गया, 5 से 10 मिनट में बन जाती है। ऐसे आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाई है, सिंपल सात्विक, इसमें भी अनियन गार्लिक कुछ नहीं है, सिर्फ अदरक, एक हरी मिर्ची और 5 छोटे छोटे आलू थे तो दो बड़े से टमाटर लेकर के ड्राई मसालों में मैंने इसे छोंक लिया है और इसे 3 सीटियां मैंने लगा दी थी। और उसके बाद फिर सॉफ्ट हो जाते हैं आलू, अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। और अभी होली के दौरान बहुत ही अच्छे आलू आते हैं, क्योंकि चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, पापड़ वगैरह बनाने होते हैं, तो इस वक्त आलू बहुत अच्छा आ रहा होता है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो खीरे काट लिए थे मैंने, दही रख लेंगे और यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो भी हो गई है रेडी। अब सबसे पहले मेरे हस्बैंड जो हैं वो हनुमान जी की जोत की तैयारी कर रहे हैं, घर के मेल्स ही इसको करते हैं पूजा को, तो वो वहाँ पर हैं, तो मैं फटाफट से पहले जो पूरियाँ हैं वो पूजा के लिए निकाल लूँगी। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए सर्व कर रही हूँ, पर सबसे पहले पूजा में ही जाएगा भोग के तौर पर, फिर हम लोग इसे एज प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच किया था।
आपने बीच में नोटिस भी किया होगा कि मैंने ना चने की दाल निकाली थी, सुबह सुबह सोप करके रखी थी, क्योंकि मेरा प्लान था मैं शाम को बनाऊंगी पूरन पोली। मुझे बहुत सारे दोस्त है ना रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा होली के दिन ही बनती है तो मैं भी बनाऊंगी। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए आ चुके हैं हम इस व्लॉग के एंड पर। उम्मीद करूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो या चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए फ्री है। और जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।